ये आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे बुलेट के निशान है, ये जो यहाँ पे मारा, इनका तोड़ने का प्रयास किया गया। और ये जो देख रहे हैं आप, फावड़ा के निशान कर दिए थे जो कि तो आप सब देख सकते हैं, अंग्रेजों द्वारा ये फन को तोड़ा गया है। ये फन इनको कहना है ये फन इससे भी बड़ा था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इसको तोड़ा गया है। ये नीचे से भी सब तोड़ा गया है। आप सभी को राधे राधे। मैं हूँ इस बार काली देव। ये काली देव जमुना जी के किनारे परिक्रमा मार्ग पे बिहारी जी के समीप में है। और यहाँ का लीला यह है कि भगवान कृष्ण और कालिया नाग के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर आगे आप लोगों को अवगत कराऊंगा। तो इससे पहले मैंने दिखाया था वृंदावन मथुरा का, जहाँ भगवान कृष्ण और कालिया नाग के बीच में युद्ध हुआ था। तो कालिया नाग के जितनी पत्नियाँ थीं उनके आग्रह पर भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को नहीं मारा, और भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को चेतावनी दिया कि वृंदावन तुम छोड़ के चले जाओ और मुड़ के भी मत देखना। कालिया नाग कहाँ आया है और कहाँ पत्थर बन गया है, चलिए उसको हम दिखाते हैं। यहाँ तो आप सब देख सकते हैं, ये वही कालिया नाग है जो यहाँ पे आके पत्थर बन गया था। अब एक यहाँ पे आके कैसे पत्थर बना, तो यहाँ पे एक जानकार है, उनसे हम पता करते हैं। राधे राधे। राधे राधे राधे। तो ये कालिया नाग यहाँ पे आके पत्थर कैसे बन गया? ये वही कालिया नाग है जो कि इनको वहाँ से यमुना जी से इनको भेजे गए थे कि कृष्ण भगवान और कालिया नाग के साथ युद्ध हुए थे। तीन दिन तीन रात युद्ध हुए थे टोटल। जब युद्ध होने के बाद कालिया नाग हर गए थे, हरने के बाद कृष्ण भगवान पूरी तरह उन पर डांस किए, चढ़ के उछले खुदे। तीनों ने इनकी पत्नी सोचा मर जाएगा तो इन कारण से इनको बोला छोड़ दे, तो कालिया नाग इनको छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया? कृष्ण भगवान ने छोड़ दिए। तो छोड़ने के बाद बोला किंतु याद रखना तुमको तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन वृंदावन की तरफ कभी भी मुड़ कर मत देखना। जहाँ मुड़ कर देख लोगे तुम वहीं के वहीं पत्थर बन जाओगे, तुम यहाँ से चले जाओ। उन्होंने बोला मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, क्योंकि हमको खा लेंगे, गरुड़ खा लेंगे, कोई तंग करेंगे। इन कारण से कालिया नाग ने बोला मैं तो जाऊँ कहाँ। तो कृष्ण भगवान बोले कि मेरी चरण की निशान तेरे सिर पर है, नहीं तुमको कोई खाएगा, नहीं तुमको कोई तंग करेगा, तुम यहाँ से चले जाओ। और आप चरण की निशान देखना चाहते हैं तो यहाँ आके आप देख सकते हैं। ये जो देख रहे हैं आप चरण की निशान है कृष्ण भगवान की, जो कि बहुत इनकी पत्थर जो है, ये जो आप देख रहे हैं कालिया नाग, इनकी फैन भी बहुत बड़े थे और इनकी फन जो फन इनकी बहुत बड़े थे, जो कि अंग्रेज ने इन पर आक्रमण किए गए थे, जो कि आक्रमण करने के बाद अच्छा इन पर इनकी फैन काट दिए। तो इनके बाद ये जो आप देख चरण की निशान, तो बोला जब तुम यहाँ से चले जाओ, और इन्होंने चल दिए वहाँ से। तो चलते 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 जंगल के वजह से इन्होंने, तो यमुना जी बहुत दूर थे और इन ये धरती के अंदर अंदर चल रहे थे, तो इनके मन में आए धरती के नीचे नीचे से आ रहे, ये धरती के नीचे नीचे से आ रहे थे। तो जैसे इनके मन में कुछ चीखने की आवाज़ आए, जैसे इन्होंने सोचा कृष्ण भगवान तो फिर मारने तो नहीं आ रहा है, इनके दिल से कुछ आवाज़ आए धड़कने का, तो इन्होंने सोचा कृष्ण भगवान तो मारने तो नहीं आ रहा है। जैसे इन्होंने पलट के देखा तो यहीं के यहीं पत्थर हो गए। जब इन पर पत्थर हुए तो आगे इनके बाद ये, तो यहाँ आप देख रहे हैं जो पूरा ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर पोखर बने गए थे और यहाँ पूरा जंगल। अच्छा, यहाँ पर कुंड बन गया। कुंड, हाँ, मतलब उनको पोखर कहे जाते हैं, जगह कुंड, ये तो अभी जय कुंड है ना। तो यहाँ पर ये उपस्थित थे जो कि इन पर बहुत तरह के आदमी आए, ये भाई क्या चीज है। तो इन पर अंग्रेज ने आए तो इन पर सोचा भाई क्या चीज़ है, अंग्रेज तो जानते होंगे कि आप सोना चांदी हीरा मोती के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इन पर सोचा भाई क्या चीज़ है, तो इनको खोदाई की गई। ये देख रहे हैं आप कुंड, ये इनको जय कुंड कहा जाता है, जो कि इसमें इनकी शरीर बहुत सारे अंदर में है और इनकी खुदाई की गई, इनका शरीर ये कुंड के अंदर भी है। हाँ, इनकी खुदाई करते करते उसके अंदर गए थे, जो कि अभी भी इनकी पूछ काली देव वृंदाविंद है ना, वृंदाविंद उन पर काली देव पर है इनकी पूछ। अच्छा, यहाँ से पूछ वहाँ वृंदावन तक। हाँ, वहाँ है इनकी पूछ। और ये जब नहीं मिलने लगी इनकी पूछ, तो इन पर अंग्रेज ने बुलेट
फावड़ा चलाने की प्रयास किए थे, जो कि अभी भी तोड़ा निशान गया है। हाँ, अंग्रेजों द्वारा तोड़ा गया है। हाँ, जो कि अभी भी इसमें निशान है बुलेट की। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं गड्ढा गड्ढा, ये बुलेट की निशान है। ये आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे बुलेट की निशान है, ये जो यहाँ पे मारा, इनका तोड़ने का प्रयास किया गया। और ये जो देख रहे हैं आप, फावड़ा की निशान है। जब इससे जब चलने लगे थे, जब इस पर आकर मैंने पूरे तरह कर दिए थे, तो इनसे ब्लेड निकले थे, जिनको कहते हैं खून। अच्छा, हाँ, ब्लड निकला था इनमें से, खून निकला। तो सोचा ये भाई जीवित, अच्छा, पत्थर में से ही ब्लड। हाँ, निकलने लगा। ये इससे कालिया नाग इनको तो अभी भी जीवित माने जाते हैं, तो पहले भी जीवित थे, क्योंकि तो एक तरह तो आदमी ही थे ना। तो इन कारण से जब इन पर गोली जब मारने लगे, फावड़ा चलाने, इनसे ब्लेड निकले थे, खून। खून निकलने के बाद अंग्रेज ने सोचा है भाई जीवित है, तो इनको कुछ नहीं करके इतना ही इतना छोड़ कर आगे पीछे, आगे जो देख रहे हैं आप, आगे का फैन जो है फावड़ा से काट दिए। तो ये सब जो देख रहे हैं आप, अच्छा, ये फन काट, ये तोड़ा गया है सब, ये सब जो है ना, ये सब इस पर अकड़मेन किए गए थे, जो तोड़ दिए फावड़ा से, आगे भी नुकसान कर दिए थे, जो कि तो आप सब देख सकते हैं, अंग्रेजों द्वारा ये फन को तोड़ा गया है। ये फन इनको कहना है, ये फन इससे भी बड़ा था, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इसको तोड़ा गया है। ये नीचे से भी सब तोड़ा गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।